अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी ठीक होंगे। आइए आज हम लोग पेपर टू की बुक नंबर टू जो कि बायोकेमिस्ट्री है उसको पढ़ते हैं। जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कर लें। लास्ट टाइम जो हमने बायोकेमिस्ट्री का पढ़ा था वो हमने कंप्लीट किया था न्यूक्लिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स वगैरह को। ठीक है जी, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, फिर अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से हैं, न्यूक्लिक एसिड्स का स्ट्रक्चर वगैरह, उसका राइबो न्यूक्लिक एसिड्स का मैसेंजर आरएनए, टीए ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए क्या होता है। आज हमने पढ़ने हैं हार्मोन्स। ठीक है जी, तो वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट टॉपिक है हार्मोन्स। What is hormone? These are the chemical substances which are secreted into the body fluid by one cell or a group of cells and have a physiological control on other cell of the body. ये एक ऐसा chemical substance होता है जो एक body fluid से secrete होता है ये एक ऐसा chemical substance होता है जो एक जगह पे secrete होता है और एक सेल को या ग्रुप ऑफ सेल्स की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, बस यही केमिकल हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट है एंडोक्राइनोलॉजी। व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी? इट इज द साइंस कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? सबसे पहले तो हार्मोन की डेफिनेशन देख लें। केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय वन सेल और ग्रुप ऑफ सेल टू इनटू द फ्लूइड इनटू द बॉडी फ्लूइड टू कंट्रोल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ अदर सेल और ग्रुप ऑफ सेल। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल मतलब टिश्यूज सिक्रीट करेंगे बॉडी फ्लूइड के अंदर ताकि वो किसी दूसरे सेल या ग्रुप ऑफ सेल के फंक्शन को कंट्रोल कर सके, ये क्या हो गया? हार्मोन। नेक्स्ट है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड की जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी? एंडोक्राइनोलॉजी। अब एंडोक्राइनोलॉजी की ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और फंक्शन स्ट्रक्चर्स वगैरह सारा कुछ किस में आएगा? एंडोक्राइनोलॉजी में। फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन ऑफ हार्मोन्स क्या होते हैं? हेल्प टू कंट्रोल द इंटरनल एनवायरनमेंट बाय रेगुलेटिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड वॉल्यूम। ये क्या करता है कि हेल्प करता है कंट्रोल करने में इंटरनल एनवायरनमेंट बाय रेगुलेटिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड वॉल्यूम। एक केमिकल कंपोजिशन को या वॉल्यूम को कंट्रोल करने में हार्मोन हेल्प आउट करता है। ट्रांसफर सब्सटेंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। कुछ चीज़ों को सब्सटेंस को सेल मेम्ब्रेन में से ट्रांसफ़र करवाने में भी हेल्प आउट करता है। प्ले अ की रोल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बॉडी के अंदर
ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी फायदा पहुंचाता है। कंट्रीब्यूट टू द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ये क्या करता है आपके रिप्रोडक्शंस के जो बेसिक्स फिनोमिना है उनमें भी हेल्प आउट करता है। फर्टिलाइजेशन नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प आउट करता है, एम्ब्रियो की नरिशमेंट में भी हेल्प आउट करता है, एंड डिलीवरी ऑफ द न्यू बॉर्न, और न्यू बॉर्न की डिलीवरी करवाने में भी हेल्प आउट करता है। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस इन द बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को बैलेंस करने में भी हेल्प आउट करता है। टाइप्स, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं हार्मोन्स की? टू टाइप्स होती हैं। नंबर वन है लोकल हार्मोन, नंबर टू है जनरल हार्मोन। लोकल हार्मोन जो होगा उसका लोकल इफेक्ट होगा, मतलब वो किसी खास जगह पे काम कर रहा होगा, लेकिन जो जनरल हार्मोन होगा जब वो सिक्रीट होगा तो पूरी बॉडी पे इफेक्ट आएगा। लोकल हार्मोन दे हैव अ स्पेसिफिक लोकल इफेक्ट ऑन द बॉडी, एग्जांपल एसिटाइल कोलिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। और जनरल हार्मोन द इफेक्ट ऑफ द बॉडी सेल फार अवे फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ द सिक्रीशन, तो जो जनरल हार्मोन होगा ये जहाँ पर सिक्रीट हो रहा है इसका इफेक्ट उससे कहीं दूर भी नजर आ रहा होता है। अ फ्यू जनरल हार्मोन इफेक्ट ऑल द सेल ऑफ द बॉडी सच एज अ ग्रोथ हार्मोन एंड द थायराइड हार्मोन, और इसकी एग्जाम्पल है वो ग्रोथ हार्मोन है जो सिक्रीट तो एक जगह से होता है लेकिन उसका इफेक्ट पूरी बॉडी के ऊपर आ रहा होता है। ऑन द अदर हैंड सम हार्मोन इफेक्ट ओनली ऑन द टारगेट सेल बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर द हार्मोन, और कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जिनका जो इफेक्ट है वो खास जगह के लिए ही होता है क्योंकि उन हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किसी एक खास जगह पर ही पाए जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब आ गई क्लासिफिकेशंस ऑफ हार्मोन। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर है कि ये जो हार्मोन्स हैं ये बेसिकली किस केमिकल नेचर से हैं, उसकी बेसिस पे जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इट कॉल द क्लासिफिकेशंस ऑफ द हार्मोन बेसिस ऑन देयर केमिकल नेचर। नंबर वन इज पेप्टाइड, नंबर वन इज पेप्टाइड्स। तो जो पेप्टाइड केमिकल नेचर्स के होंगे उनमें आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के कौन कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ACTH। फिर है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, इसमें ऑक्सीटोसिन आता है और ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। फिर आता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन, इसमें इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, सोमैटोस्टैटिन है। फिर आता है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है उसका नाम है कैल्सिटोनिन। फिर पैराथायराइड हार्मोन का जो ग्लैंड का जो हार्मोन है उसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन। हार्मोन्स ऑफ द GIT, जो GIT के हार्मोन्स होंगे वो होंगे सब्सटेंस पी रिलीजिंग एन इनहिबिटरी हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस, रिलीजिंग एन इनहिबिटरी हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस। फिर ओवरीज के जो आएंगे वो है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन एक हार्मोन है जो ओवरीज में से सिक्रेट होता है। ये सारे के सारे क्या हैं? दीज ऑल हार्मोन्स आर पेप्टाइड्स इन केमिकल नेचर। नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन, TSH, LH, एरिथ्रोपोइटिन एंड HCG, ये वाले ग्लाइकोप्रोटीन होंगे। फिर स्टीराइड केमिकल नेचर के जो हार्मोन्स हैं वो कौन से हैं? पहला है कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एल्डोस्टिरॉन कॉर्टिसोल, एड्रिनल एड्रिनोजिन। ओवरीज के जो हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिरॉन, टेस्टिस के जो हैं वो टेस्टो स्टीरॉन, ये वाले क्या हैं? स्टीराइड हार्मोन्स हैं। फिर आता है अमीनो एसिड्स, टायरोसिन डेरिवेटिव्स, टायरोसिन डेरिवेटिव्स, थायराइड ग्लैंड T3 T4,
अमाइन्स, टायरोसिन डेरिवेटिव्स, एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन एंड मेलाटोनिन अमाइन्स। ठीक है, ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर। चलें आइए अब हम अपने हार्मोन्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने हार्मोन पढ़ना है वो है ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले जो हमने हार्मोन पढ़ना है वो कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इसका केमिकल नेचर क्या है। तो ये है पेप्टाइड इन नेचर। पेप्टाइड इन नेचर। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज अ हार्मोन ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, इसका एक बात तो ये है कि ये सिक्रीट कहां से होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, नंबर वन। दूसरी बात, एंड इज ऑल्सो नोन एज सोमैटोट्रोपिन और सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। इसको सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। इसका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है? ग्रोथ करवाना। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए नेचर। इट इज पेप्टाइड इन नेचर। क्या है इसकी नेचर? पेप्टाइड। इसका फॉर्मूला भी उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ दो क्लोराइड लगाए हुए हैं उन्होंने। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन हैज प्रीडोमिनेंटली एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा कि ये आपके एनाबॉलिक इफेक्ट देंगे स्केलेटल और कार्डियक मसल्स के ऊपर। एनाबॉलिक इफेक्ट का मतलब है कि बनने का अमल, मतलब दो छोटे छोटे जर्रात मिलके एक बड़ा जर्रा बनना, अमीनो एसिड्स का मिलके प्रोटीन बनना, ये क्या है? एनाबॉलिक इफेक्ट है। और प्रोटीन का टूट कर छोटे छोटे जर्रात अमीनो एसिड्स का बनना कैटाबॉलिक होता है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? प्रोटीन के ऊपर एनाबॉलिक इफेक्ट देता है ताकि उनके स्केलेटल और कार्डियक मसल जो है वो बन सकें। इट स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आरएनए डीएनए। और ये प्रोटीन के बनने को, आरएनए के बनने को, डीएनए के बनने को स्टिमुलेट्स करता है। इट प्रमोट्स अमीनो एसिड्स एंट्री इनटू सेल्स। और ये प्रमोट करता है अमीनो एसिड्स की एंट्री सेल्स के अंदर, एज डज इंसुलिन, जैसा कि इंसुलिन भी करती है। इट डिक्रीजेज द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन बिकॉज ग्रोथ हार्मोन मोबिलाइजेज फ्री फैटी एसिड टू सप्लाई एनर्जी। और ये जो प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म को कम कर देता है, जारी बात है प्रोटीन की एनाबॉलिज्म को बढ़ाता है तो प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म को कम कर देता है। फिर इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या इफेक्ट देगा? ग्रोथ हार्मोन इज अ डायबेटोजेनिक हार्मोन बिकॉज ऑफ इट्स एंटी इंसुलिन इफेक्ट। ग्रोथ हार्मोन हैज़ अ टेंडेंसी टू कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। तो जो ग्रोथ हार्मोन है ये डायबेटोजेनिक हार्मोन है क्योंकि इसका एंटी इंसुलिन इफेक्ट होता है। इंसुलिन का क्या इफेक्ट होता है कि इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स को सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करवाने में हेल्प आउट करती है, मदद करती है। जो ही ये कार्बोहाइड्रेट सेल के अंदर जाता है वहाँ जाके टूट फूट का शिकार हो जाता है।
लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन होता है ये इंसुलिन से उलट काम करती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को सेल के अंदर नहीं जाने देती, ब्लड के अंदर रखती है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होने का भी खतरा होता है, डायबिटीज होने का खतरा होता है। इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। अच्छा, फैट्स के ऊपर क्या करती है ग्रोथ हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन हैज एन ओवरऑल कैटाबॉलिक इफेक्ट इन एडिपोज टिश्यूज। इट स्टिमुलेट्स द मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज, लीडिंग टू डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड कंटेंट इन फैटी टिश्यूज एंड इंक्रीज प्लाज्मा लेवल्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। तो फिर ये क्या करता है कि फैट्स के ऊपर कैटाबॉलिज्म, मतलब उसको तोड़ फोड़ के अमल को बढ़ाती है फैट्स के, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं वहाँ पर जो फैट स्टोर हुआ होता है वो वहाँ से टूट फूट का शिकार होके ब्लड के अंदर आता है, और ब्लड जो है पूरी बॉडी को एनर्जी की सूरत में मिलता है, और जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड्स डिक्रीज हो जाते हैं। फैटी लिवर, दिस अकर ड्यू टू द एक्सेस मोबिलाइजेशन ऑफ द फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू। और जब आपके एडिपोज टिश्यू में से बहुत ज़्यादा फैट्स जो हैं वो निकल कर ब्लड के अंदर आएंगे तो ब्लड उनको, लिवर जो है उनको मोबिलाइज करेगा, कैटलाइज करेगा, तो फिर वो लिवर के ऊपर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। और इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है ग्रोथ हार्मोन का? ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ फास्फोरस। ये फास्फोरस जो है उसको रिटेन करती है बॉडी के अंदर, उसको बॉडी से बाहर नहीं जाने देती, और कैल्शियम को भी बॉडी के अंदर रिटेन करके रखती है, उसको भी बॉडी से बाहर नहीं जाने देती। इट ऑल्सो कॉजेज द रिटेंशन ऑफ सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और ये सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह को भी क्या करती है, मैग्नीशियम को भी बॉडी के अंदर रोक के रखती है, बार बार रीनल ट्यूब्यूल्स जो एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनीज में है उससे बार बार एब्जॉर्प्शन करवाती है इन आयंस की, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की, ताकि ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर ना जा सके। बोन्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आता है ग्रोथ हार्मोन का? इट एक्ट्स ऑन कार्टिलेज एंड बोन, स्टिमुलेटिंग ग्रोथ। ये क्या करते हैं, ये आपकी बोन्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं और आपकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं। इंक्रीजेस द डेपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके अंदर डेपोजिशंस को बढ़ाती है। थिकनेस ऑफ द स्किन, स्किन को मोटा करती है। ग्रोथ ऑफ विसरा, आपके जो मेन पार्ट्स हैं लिवर, किडनी, हार्ट वगैरह, उनकी ग्रोथ को बढ़ाती है। मिल्क सिक्रीशन इन लैक्टेटिंग एनिमल्स, तो मिल्क प्रोडक्शन को भी और मिल्क सिक्रीशन को भी बढ़ाती है जो लैक्टेटिंग एनिमल्स होते हैं, दूध पिलाने वाले एनिमल्स, उनके अंदर। तो ये हमारा ग्रोथ हार्मोन्स आज यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन्स हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है, ठीक है जी। और ये डिलीवरी के दौरान जो है ना बड़ा हेल्प आउट करता है। ऑक्सीटोसिन, सबसे पहले तो देखते हैं कि ये इसकी केमिकल नेचर क्या है ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, ऑक्सीटोसिन इज अ पेप्टाइड केमिकल नेचर हार्मोन। इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ से सिक्रेट होता है? पोस्टीरियर। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से हो रहा था? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। वो भी पेप्टाइड इन नेचर था, ये भी पेप्टाइड इन नेचर है। इसमें 8 अमाइनो एसिड्स होते हैं। एक्शन इसका क्या होता है? सबसे पहले तो यूट्रस के ऊपर इफेक्ट क्या होता है? इट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द प्रेगनेंट यूट्रस। इट इज़ रिलीज इन लार्ज क्वान्टिटी जो स्पिरिटल डिलीवरी। ये करता क्या है, जो आपकी जो फीमेल्स, जो प्रेगनेंट फीमेल्स होती हैं उनका जो यूट्रस की जो वॉल होती है
उसकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प आउट करता है, और जब डिलीवरी होनी होती है तो तब ये बहुत ज़्यादा मिकदार में सिक्रीट होता है, फिर जिसकी वजह से यूट्रस की बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है और एकदम से बॉडी जो बेबी होता है उसको एक्सपेल आउट किया जा रहा था बॉडी से। फिर आता है इफेक्ट ऑन मिल्क इजेक्शन, इट कॉजेज इनक्रीट मिल्क इजेक्शन इन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। तो जो लैक्टेटिंग ब्रेस्ट होता है उसको ये क्या करता है, मिल्क को इजेकुलेट करवाने में हेल्प आउट करता है, स्टिमुलस फॉर मिल्क इजेक्शन। अच्छा, अब मतलब ऑक्सीटोसिन का तो काम है कि क्या करेगी, मिल्क को प्रोड्यूस करवा के मतलब मिल्क को इजेकुलेशन करवाएगी, लेकिन कौन से ऐसे स्टिमुलस हैं जिनसे मिल्क बहना स्टार्ट हो जाएगा, वो है सकिंग ऑफ द निप्पल्स। सबसे पहले सकिंग ऑफ द निप्पल, जो बेबी है वो मदर का जब निप्पल को सक करेगा तो मिल्क बाहर की तरफ बहना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड है हैंडलिंग ऑफ द ब्रेस्ट बाय अ बेबी, तो दूसरा ये है कि बेबी जो है वो हाथ से भी ब्रेस्ट को दबाएगा जिससे मिल्क बहना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड है क्राइंग ऑफ द बेबी फॉर फीडिंग, जब एक बच्चा रोता है तो भी मदर के जो ब्रेस्ट हैं उनमें से मिल्क बहना स्टार्ट हो जाता है। नंबर फोर्थ पे साइट और साउंड ऑफ अ बेबी, और बेबी की आवाज़ से भी मिल्क का बहना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन फर्टिलाइजेशन, इफेक्ट ऑन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब जो है उस पे ऑक्सीटोसिन क्या इफेक्ट करता है। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग क्वाइटस बाय अ नर्वस रिफ्लैक्स। ऑक्सीटोसिन जो है वो क्लाइटस के दौरान भी सिक्रीट होता है नर्वस रिफ्लैक्स के, इट कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प आउट करता है, एंड हैज़ अ सकिंग इफेक्ट ऑन द सेमिनल फ्लूड। और जब मतलब इसको आप आम अल्फाज में यूँ समझें कि जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं और जब मेल का जो सीमन है वो फ्लो करता है इनटू द फीमेल वेजिना, तो फिर क्या होता है कि जो जो यूट्रस होती है वो कॉन्ट्रैक्शन करती है, सकिंग इफेक्ट देती है सीमन को, ताकि वो जो सीमनल फ्लूड है वो यूट्रस के अंदर आए और वहाँ पर जो ओवरीज है वो एग को प्रोड्यूस करे और फर्टिलाइजेशन हो सके। इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, इन लार्ज डोजेज ऑक्सीटोसिन कॉज वैसोडाइलेशन एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर। और एक बहुत बड़े पैमाने पर जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो ये वैसो डायलेशन का काम करता है, बीपी को डाउन कर देता है। इफेक्ट ऑन पिच्यूटरी ग्लैंड, इट कॉजेज प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। जो पिच्यूटरी ग्लैंड है, जब ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है तो पिच्यूटरी ग्लैंड के ऊपर प्रोलैक्टिन सिक्रीशन का काम करता है, इट इनहिबिट्स ADH सिक्रीशन, और ये एंटी डायरेटिक हारमोन के सिक्रीशन को भी इनहिबिट कर देती है। क्लिनिकल इंडिकेशंस मतलब कौन से ऐसे क्लिनिकल मौके हैं जहाँ पर ऑक्सीटोसिन लगाया जा सकता है, तो उसमें है इंड्यूसिंग लेबर मतलब प्रेगनेंसी जब हो और डिलीवरी करवानी हो, लास्ट डेज चल रहे हो तो तब भी ऑक्सीटोसिन लगाया जा सकता है जिससे बेबी की डिलीवरी में आसानी होगी। ट्रीटमेंट ऑफ यूट्राइन हेमरेज, और बाज़ औक़ात यूट्रस के अंदर खून जम जाता है या कोई और मसला आ जाता है तब भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जा सकता है जिससे यूट्रस की जो वॉल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी और जो अंदर हैमरेज वगैरह ब्लड क्लॉटिंग वगैरह होगी वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगी। ये हो गया हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है जी। थर्ड है हमारा इंसुलिन हार्मोन, और ये हमारा आज का लास्ट हार्मोन है आज के लेक्चर का। इंसुलिन इज अ स्मॉल प्रोटीन विच एक्ट टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस ऑफ पेनक्रियास। इंसुलिन जो है ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, क्या है, पेप्टाइड हार्मोन।
इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, कहां से सेक्रेट होता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन, ऑफ पैनक्रियास, बाय बीटा सेल्स। ठीक है जी, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन विच इज सेक्रेटेड बाय द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन ऑफ पैनक्रियास बाय बीटा सेल्स। इसका काम क्या होता है? इंसुलिन हेल्प्स ग्लूकोज टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ब्लड टू सेल्स। इंसुलिन का यह काम होता है कि यह ग्लूकोज को ब्लड में से सेल्स में जाने, ब्लड से सेल में जाने से हेल्प करता है। ठीक है जी, ये इसका काम होता है। अब जब ब्लड से शुगर, ग्लूकोज जिसको शुगर भी बोलते हैं, जब आपकी शुगर ब्लड से निकलकर सेल के अंदर चली जाएगी तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है जी, लेस ग्लूकोज लेवल। दिस केमिकल नेचर है इसकी, पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन जिसके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। कितने? 51 अमाइनो एसिड्स। दो चेन्स होती हैं, 30 अमाइनो एसिड की एक चेन, 21 अमाइनो एसिड्स की एक चेन, तो कुल मिला के 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसके इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसका इफेक्ट पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स के ऊपर। इट इंक्रीजेस द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या करेगा ये? ग्लूकोज की एंट्री करवाएगा सेल्स के अंदर ब्लड में से बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए, स्पेशली इन मसल, एडिपोज टिश्यूज, हार्ट, स्मूथ मसल, यूट्रस, इन सब जगहों पर खास तौर पर ये ग्लूकोज की एंट्री करवाएगा। बट ऑन द अदर हैंड इंसुलिन डज नॉट फैसिलिटेट ग्लूकोज एंट्री इनटू द ब्रेन एंड आरबीसीज। लेकिन दूसरी तरफ यही इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज की जो एंट्री है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर और ब्रेन के अंदर नहीं करवाएगी, वहां के लिए एक अलग मैकेनिज्म होगा। इंसुलिन इंक्रीजेस द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी। इंसुलिन ही हेल्प करता है कि ग्लूकोज की इस्तेमाल को बढ़ाया जाए ताकत के लिए। इट इंक्रीजेस ग्लूकागोन ग्लाइकोजन स्टोरेज इन द सेल्स। फिर अगर ग्लूकोज जिस सेल्स को इस्तेमाल करनी थी उन्होंने कर ली तो उसके बाद क्या होगा? ग्लाइकोजन स्टोर करवा देगा उसको, क्या करवाएगा? स्टोर करवा देगा। इट इंक्रीज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द फैट्स टू बी स्टोर इन द एडिपोज टिश्यूज। और इंसुलिन ही हेल्प करेगा पहले ग्लूकोज को इस्तेमाल करवाने में। इंसुलिन क्या करेगा? सबसे पहले ग्लूकोज को इस्तेमाल करवाएगा, यूटिलाइजेशन, फिर उसको स्टोर करवाएगा किसमें? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और तीसरा काम क्या करेगा? उसकी कन्वर्जन करेगा फैट्स में, उसको फैट्स बनाकर एडिपोज टिश्यूज में स्टोर कर देगा। ठीक है जी, उसको फैट्स बनाकर एडिपोज टिश्यूज में क्या करेगा? स्टोर कर देगा। ये तीन काम कौन करवाएगा? इंसुलिन। नेक्स्ट आ गया फैट्स मेटाबॉलिज्म। इट फॉर्म्स फैटी एसिड्स फ्रॉम एसेट्स लिवर ग्लूकोज बाय एक्टिवेटिंग एसिटाइल एस को ए कार्बोक्सिलेज। यही बात कि जो एक्सेस ग्लूकोज होगी लिवर के अंदर या ब्लड के अंदर, ये इंसुलिन क्या करेगा? उसको फैट्स फैटी एसिड्स बना देगा। ठीक है जी, सेकंड, फैटी एसिड्स आर यूटिलाइज्ड फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड व्हिच आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यूज। और ये जो फैटी एसिड्स होंगे ये क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे टीजीज को, ट्राइग्लिसराइड्स को, जो एडिपोज टिश्यूज में स्टोर है। थर्ड, इनहिबिट हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन फैट सेल्स बाय इनहिबिटिंग हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ये क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ टीजीज नहीं होने देगा, मतलब जो ऑलरेडी फैट्स या टीजीज ट्राइग्लिसराइड्स एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हैं तो ये इंसुलिन उनको मेटाबॉलिज्म उनकी नहीं होने देगा, उनको इस्तेमाल नहीं होने देगा।